दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hey guys, welcome back to the channel. This is Pankaj with you. IPL 2020 का 29वां मैच सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग के बीच में खेला जाने वाला है। किस्मत के धनी धोनी की किस्मत ने अब छोड़ दिया है इनका साथ। अब वो कैसे लगा पाएंगे CSK की नैया को पार? इस बार भी उनके लिए मुकाबला नहीं होने वाला है आसान, क्योंकि सामने है सुपर डीके सनराइजर्स इस बार। जी हाँ, काफी कड़क मुकाबला होने वाला है ये। तो आप बने रहे इस वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि हम करने वाले हैं इस मैच की बात। अगर आप हमारे साथ मिलकर IPL का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या है पिच का हाल। तो ये जो मुकाबला है दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम दुबई में खेला जाने वाला है। अब तक यहां इस IPL के 12 मैच खेले जा चुके हैं, जिनमें से 10 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है, वही मात्र 2 बार बाद में बैटिंग करने वाली टीम जीती है। मतलब साफ है कि जो जीतेगा टॉस वही बनेगा बॉस। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम के जीतने के चांसेस यहां पर ज्यादा होंगे। इन 12 मैचों में 79 विकेट रफ्तार के सौदागरों ने उड़ाए हैं, वही 49 विकेट स्पिन के जादूगरों ने चटकाए हैं। ग्राउंड काफी बड़ा है, बैटिंग करना आसान नहीं है, इसलिए एक बार फिर से आपको एक एवरेज स्कोर वाले गेम से काम चलाना पड़ सकता है। 170 से 180 के आसपास का स्कोर आपको दिखाई दे सकता है। अब बात करते हैं दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 की और इनके फॉर्म की। सबसे पहले बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की। तो वार्नर के भी राजस्थान रॉयल्स से अपना आखिरी मैच हार कर आ रहे हैं। SRH अपने 7 में से 4 मैच हार कर टॉप 4 से बाहर चल रही है। इस मैच में वार्नर के भी अपनी पिछली गलतियों को भुलाकर वापसी करेंगे और यह मैच जीतकर टॉप 4 में वापसी करने के इरादे से उतरेंगे। अपने पिछले मुकाबले में वार्नर की सेना ने अच्छी शुरुआत तो जरूर की थी, लेकिन इस अच्छी शुरुआत को एक बड़े टोटल तक नहीं ले जा पाए थे। इसकी सिर्फ एक ही वजह थी, डेविड वार्नर और मनीष पांडे की कछुआ छाप वाली बैटिंग। अगर अंत के ओवरों में केन विलियमसन और प्रियम गर्ग ने कुछ बड़े हिट्स नहीं लगाए होते तो सनराइजर्स शायद 150 के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाती। एक बार फिर से विलियमसन को नंबर 4 पर बैटिंग के लिए बुलाया गया। एक महारथी बल्लेबाज को फिनिशर के रोल में इस्तेमाल किया जा रहा है। वार्नर ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे की वजह हमें पता नहीं चल पा रही है। खैर, जो भी हो, इनके लिए अच्छी बात तो ये है कि इनके चारों मेन बल्लेबाज इस वक्त बहुत ही अच्छे टच में हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं डेविड वार्नर, जॉनी बेयरस्टो, केन विलियमसन और मनीष पांडे की। SRH के चारों महारथी बल्लेबाज CSK की कमजोर बॉलिंग लाइनअप की धजियां बिखेर सकते हैं। बात करें इनकी गेंदबाजी की तो इनके गेंदबाज लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। बेशक इनकी टीम राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 159 रनों का टोटल डिफेंड नहीं कर पाई थी, लेकिन अगर ओवरऑल प्रदर्शन पर नजर डाली जाए तो सभी के सभी गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया था। और कंपैरिजन किया जाए CSK से तो इनका प्रदर्शन अभी तक बहुत ही बेहतरीन रहा है। खास करके राशिद खान और खलील अहमद ने पिछले मुकाबले में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था और एक बार फिर से ये सभी गेंदबाज चेन्नई के बल्लेबाजों की कड़ी परीक्षा लेते हुए नजर आ सकते हैं। हैदराबाद की टीम इस मुकाबले में अनचेंज रहने वाली है। अब बात करते हैं माही के महारथियों की। तो इस वक्त माही के महारथी अपना महारत दिखाने में बुरी तरीके से विफल साबित हो रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग को 7 मैचों में सिर्फ 2 मैचों में जीत हासिल हुई है। 5 मैच हारकर चेन्नई सुपर किंग इस वक्त टॉप 4 की दावेदारी से बाहर चल रही है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अनहोनी को होनी करने वाले महेंद्र सिंह धोनी की ये टीम इस मोड़ से भी वापसी करने का मादा रखती है और ऐसा करनामा चेन्नई सुपर किंग की टीम पहले भी कर चुकी है। आपको बता दूं कि 2010 में चेन्नई सुपर किंग की कंडीशन सेम टू सेम डिक्टो ऐसी ही थी और उस साल चेन्नई सुपर किंग ने वापसी करते हुए फाइनल भी जीता था। तो अब सवाल ये है कि क्या महेंद्र सिंह धोनी की टीम एक बार फिर से अनहोनी को होनी करके दिखाएगी? वैसे ये हो भी सकता है, क्योंकि भैया माही है तो मुमकिन है। और आपको मैं बता दूं कि SRH के खिलाफ हमें धोनी की एक धमाकेदार पारी देखने को मिल सकती है, क्योंकि पिछले 1-2 मैचों से धोनी धमाकेदार शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसे अंजाम तक नहीं पहुंचा पा रहे। उम्मीद है कि इस मैच में अपनी पारी को अंजाम तक जरूर पहुंचाएंगे। धोनी का साथ निभाएंगे शेर वॉटसन और फैबुलस डुप्लेसिस, जिनका बल्ला SRH के खिलाफ हमेशा से जमकर कोहराम मचाता आया है। SRH के खिलाफ 249 रन बनाने वाले अंबाती रायडू भी इस मैच में अपना लय प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट मैच में RCB के खिलाफ चेन्नई के गेंदबाजों ने 16 ओवर तक काफी शानदार गेंदबाजी की थी, लेकिन अंत के 4 ओवरों में इन्होंने पूरा मैच गवा दिया था। पहले की तुलना में RCB के खिलाफ चेन्नई की गेंदबाजी में थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिला था और उम्मीद है कि इस मैच में चेन्नई के गेंदबाज 16 की जगह पूरे के पूरे 20 ओवरों तक अच्छी गेंदबाजी करेंगे। चेन्नई सुपर किंग की टीम इस मैच में अनचेंज रहने वाली है, बदलाव की उम्मीद ना के बराबर है। अब बात करते हैं फैंटेसी पावर 11 प्रेजेंट्स हेड टू हेड बैटल्स की। तो इन दोनों टीमों के बीच अब तक 14 हेड टू हेड मुकाबले खेले गए हैं।
है जिनमें से 10 बार चेन्नई सुपर किंग जीती है, वहीं मात्र 4 बार सनराइजर्स हैदराबाद जीती है। पिछले साल इन दोनों टीमों के बीच 2 मैच खेले गए थे और मामला 50-50 का रहा था। इन दोनों टीमों के बीच इस साल भी एक मैच खेला जा चुका है और वो मैच सनराइजर्स हैदराबाद जीता था। अब बात करते हैं फैंटेसी पावर 11 प्रेजेंट्स एक्स फैक्टर्स की। तो सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से करमादी खान अपना कमाल दिखाते हुए एक्स फैक्टर का रोल प्ले कर सकते हैं। वहीं चेन्नई सुपर किंग की तरफ से एसआरएच के खिलाफ 311 रन बनाने वाले शेर वॉटसन सबका वोट लगाते हुए एक्स फैक्टर का रोल प्ले कर सकते हैं। आपको बता दूं कि ये दोनों खिलाड़ी मेरी फैंटेसी पावर 11 की टीम के कैप्टन एंड वाइस कैप्टन भी हैं। आप भी अपनी टीम फैंटेसी पावर 11 पर बनाकर आईफोन 11 के साथ-साथ ढेर सारे रियल कैश प्राइजेस भी जीत सकते हो। फैंटेसी पावर 11 प्रेजेंस कौन होगा दमदार? क्या वार्नर की सेना करेगी वॉर या फिर माही के मत वालों के हाथों इनको मिलेगी एक करारी हार? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग माही के मत वालों के हाथों सनराइजर्स हैदराबाद को मिलने वाली है एक करारी हार। जी हां, चेन्नई सुपर किंग मेरे अनुसार ये मैच जीत सकती है। अगर आपको भी लगता है कि इस मैच में ऐसा ही कुछ होने वाला है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि इस मैच में कुछ और होने वाला है तो कमेंट करके बताइएगा कि क्या होने वाला है। हमारे साथ मिलकर आईपीएल का लुत्फ उठाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।